दोस्तों महाभारत के बारे में तो प्रत्येक व्यक्ति जानते ही होंगे। इसमें वर्णित प्रत्येक पात्र और घटनाएं काफी लोगों को याद है। परंतु दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती या जिनके बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको महाभारत के कुछ अनसुने पात्र के बारे में। दोस्तों महाभारत की पहली सुनी पात्र है अहिलावती। फ्रेंड्स अहिलावती को नाग कन्या के नाम से भी जाना जाता है जिसका विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ हुआ था तथा शादी होने से पहले अहिलावती ने घटोत्कच की कई बार परीक्षा भी ली एवं घटोत्कच को अपने को प्रमाणित करने का अवसर दिया था। अहिलावती महान योद्धा बर्बरिक की माता थी एवं इन्होंने ही बर्बरिक को बचपन से ही कमजोर और असहाय लोगों की मदद करना सिखाया था। दूसरा पात्र है दोस्तों जरासंध। दोस्तों जरासंध मगध का राजा था तथा वह भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। आसुरी प्रवृत्ति के जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई थी। जब भी भीम जरासंध के शरीर को बीच में से फाड़कर उसके दो टुकड़े करते थे तो उसका शरीर अपने आप ही जुड़ जाता था। बाद में भगवान श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार भीम ने इसके शरीर के बीच में से दो टुकड़े कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया जिसके बाद उसका शरीर दोबारा न जुड़ सका तथा उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत से जुड़ा हुआ तीसरा पात्र है बर्बरिक। दोस्तों बर्बरिक घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था परंतु वास्तव में यह पिछले जन्म में एक यक्ष था जो एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्मा था। यह भीम का पौत्र था तथा भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बर्बरिक ही खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। अगला पात्र है युयुत्सु। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था तथा 100 कौरवों में से एक था। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि धृतराष्ट्र ने एक अन्य राजकुमारी से भी विवाह किया था जिसका पुत्र युयुत्सु था। यह दुर्योधन से छोटा था परंतु बाकी 98 कौरवों से बड़ा था। महाभारत की लड़ाई के पश्चात युयुत्सु अकेला ऐसा कौरव था जो जीवित बचा था तथा बाद में इसे ही इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया था। पांचवा पात्र है विकर्ण। दोस्तों विकर्ण दुर्योधन का छोटा भाई था तथा धृतराष्ट्र व गांधारी की 100 संतानों में से एक था। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान विकर्ण ही एक ऐसा अकेला कौरव था जिसने इस बुरे कृत्य के खिलाफ आवाज उठाई थी। छठे पात्र हैं शल्य। दोस्तों शल्य मद्र के राजा थे। वह नकुल सहदेव की माता माद्री के भाई होने के कारण रिश्ते में पांडवों के मामा लगते थे। महाभारत के युद्ध में यह पांडवों के पक्ष से लड़ना चाहते थे लेकिन दुर्योधन ने छल पूर्वक इन्हें अपनी ओर मिला लिया। महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु युधिष्ठिर के द्वारा हुई थी। सातवा पात्र है सात्यकी। दोस्तों सात्यकी उन बचे खुचे योद्धाओं में से एक था जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। सात्यकी अर्जुन का शिष्य तथा एक वृष्णेय था जो यादवों में से ही एक था। महाभारत के युद्ध में यह पांडवों की ओर से लड़ा था तथा पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन भीम घटोत्कच के पश्चात यही योद्धा था जिसके सामने आने से कौरव घबराते थे। परंतु इसे युद्ध में लड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि इसके 10 पुत्र इस युद्ध में मारे गए थे। आठवां पात्र है शिखंडी। दोस्तों शिखंडी पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र व द्रौपदी का भाई था। यह जन्म से ही नपुंसक था तथा कथाओं के अनुसार यह पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था तथा भीष्म से बदला लेने के उद्देश्य से इसने पुनः जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इसी की आड़ लेकर पितामह भीष्म का वध किया था। नौवा पात्र है एकलव्य। दोस्तों एकलव्य भील जाति के महान योद्धा थे जो बचपन से ही महान धनुर्धर बनना चाहते थे लेकिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह सिर्फ अर्जुन को ही विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे एवं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी कारण गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। बाद में एकलव्य ने भील तथा निषादों की एक सशक्त सेना बनाई एवं अपनी शक्ति का अभूतपूर्व विस्तार किया। एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई थी। और दसवां पात्र है फ्रेंड्स घटोत्कच। दोस्तों घटोत्कच भीम तथा हिडिम्बा का पुत्र था। हिडिम्बा एक राक्षसी व भीम मानव थे इसलिए घटोत्कच में दोनों के गुण विद्यमान थे। घटोत्कच एक महान योद्धा भी था जो कई तंत्र विद्याओं में निपुण था। घटोत्कच की मृत्यु महाभारत
महाभारत के युद्ध में कर्ण के हाथों हुई थी। तो दोस्तों यह थे महाभारत के 10 ऐसे पात्र जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।